आईपीएल का वाला किस्सा याद है आपको, जब केकेआर को एक ओवर में 29 रनों की जरूरत थी और स्ट्राइक पे कौन था, रिंकू सिंह, जिन्होंने गुजरात के एक बॉलर को लगातार 5 बॉल पे 5 छक्के लगाकर अपनी टीम को जीत दिलाते हुए एक ओवर में 29 रन चेस कर दिया। भाई साहब, किसी को भी आशा नहीं था कि एक ओवर में 29 रन लग जाएंगे, बॉलर को तो बिल्कुल भी नहीं। बॉलर कौन था पता है? यश दयाल। यश दयाल का मानसिक सिचुएशन उस समय इतना बिगड़ गया था ना, इतना बिगड़ गया था कि लग ही नहीं रहा था कि वो इस सिचुएशन से उभर भी पाएंगे कि नहीं। लेकिन महज एक साल के अंदर उन्होंने इस सिचुएशन से उभरा भी और एक ऐसा कारनामा कर दिखाया है जिसे आजकल लोग बोल रहे हैं कि भगवान, डाउनफॉल चाहे जैसा भी हो हम झेल लेंगे, लेकिन कमबैक हो तो यश दयाल जैसा। क्या कर दिया है उन्होंने, जानोगे तो देख लो इस पूरे वीडियो को। दरअसल भाइयों, बात ऐसा है ना, यश दयाल को टीम इंडिया में शामिल कर लिया गया है 19 सितंबर से जो टेस्ट मैच होने वाला है ना बांग्लादेश के खिलाफ, उसमें। समझ रहे हो आप कितना बड़ा अचीवमेंट है ये किसी भी प्लेयर के लिए। भाई साहब, जिस प्लेयर के बारे में लोग हवाबाजी कर रहे थे 6 बॉल पे लगातार 5 छक्के लगने के बाद कि अब इसका करियर फिनिश है, उसने अपने करियर को रिवाइव करते हुए ऐसी मेहनत की, ऐसा डेडिकेशन दिखाया कि अब उसने टीम इंडिया तक पहुंचने के सफर को तय कर लिया। भाई साहब, इनके लिए क्लैपिंग तो बनता है।